जय हिंद दोस्तों, जतिन डॉग्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। सबसे पहले मेरी उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको अपडेट्स मिलती रहें। इसके अलावा अगर कोई फ्रेंड अपना डॉग सेल करना चाहता है तो मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप कर सकता है, मेरा नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे फिर से एक लार्ज डॉग ब्रीड के बारे में। हाँ गाइस, आज हम बात करेंगे बुली कुत्ता या पाकिस्तानी बुली जिसे बोलते हैं उसके बारे में। ये डॉग ब्रीड ऑल ओवर वर्ल्ड में काफ़ी पॉपुलर है और इसे बीस्ट फ्रॉम द ईस्ट भी बोला जाता है। ये डॉग्स आपको इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ही मिल जाएंगे, मोस्टली बॉर्डर रीजन्स में जैसे कि राजस्थान या पंजाब। अगर आप इनकी हाइट की बात करें तो इनकी हाइट 30-45 इंचेस तक हो सकती है और इनका वेट 70-85 तक हो सकता है। इनका लाइफ स्पैन यूजुअली 10-11 साल तक होता है। इनका कोट बहुत ही स्मॉल और स्मूथ होता है तो आप इन्हें हर तरह के वेदर में रख सकते हैं, गर्मियाँ या सर्दियाँ। पर जब सर्दी थोड़ी ज़्यादा हो तो आप थोड़ा सा इनको इनडोर रखें क्योंकि इनका कोट शॉर्ट होता है। बाकी इनको कोई हेल्थ इशूज़ ऐसे रिपोर्ट नहीं किए गए हैं कि इनको कोई भी कोई हेल्थ इशूज़ होते हैं। अगर बात करें कलर ऑप्शंस की तो इनमें आपको काफ़ी कलर मिल जाते हैं जैसे वाइट, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ब्लैक एंड वाइट, और आपको और भी कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। और इनकी अपन बॉडी की स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इनका फेस पर बहुत सारे रिंकल्स होते हैं, इनके लिप्स होते हैं वो ड्रूपी होते हैं, थोड़े लटके रहते हैं आगे की तरफ, नोज यूजली ब्लैक कलर की होती है, इनका चेस्ट साइज बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है और लेग्स काफ़ी लंबे ऊँचे होते हैं हाई, और इनका वॉकिंग स्टाइल जो है बिल्कुल शेर की तरह होता है। इन डॉग्स को हजारों साल से लोग ब्रीड कर रहे हैं। इनिशियली तो ये फाइटिंग डॉग्स नहीं थे पर बाद में इन लोगों को फाइटिंग के लिए काफ़ी यूज़ किया गया। इंडिया में तो फाइटिंग बैन है डॉग फाइट्स, पर उसके अलावा भी डॉग्स काफ़ी अच्छे गार्ड डॉग साबित हो रहे हैं और हुए हैं। अगर आपके पास कोई फार्म हाउस है या कोई लार्ज साइज घर है या मीडियम टू लार्ज साइज घर है तो आप इनको रख सकते हैं। स्मॉल साइज के घरों के लिए ये डॉग्स नहीं है क्योंकि आउटडोर डॉग्स हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। इसके अलावा इनकी फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए आपको एटलीस्ट इनको वॉक तो कराना ही पड़ेगा 1-2 किलोमीटर रोज। ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और इनका नेचर बहुत डोमिनेंट होता है तो मेक श्योर आपकी पर्सनैलिटी भी थोड़ी डोमिनेंट हो या आपको ऐसा बिहेव करना पड़ेगा जैसे लीडर ऑफ द पैक, तभी ये आपसे डरेंगे, आपकी बात सुनेंगे, वरना फिर जैसे एक बच्चा होता है शैतान जो बिगड़ा हुआ होता है वैसे हो जाएंगे, आपकी सुनेंगे नहीं। तो आपको थोड़ा सा इनको अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा। बाकी ये बहुत ही अमेजिंग ब्रीड है, बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं अपने मालिक के लिए, अपने ओनर के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। पपी की क्वालिटी आप देख सकते हैं, पपी की एज 5 मंथ है, इसकी हम ग्रोथ देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है। ये डायरेक्ट सन है टाइगर 2 का और इसकी मदर है राजिया, जो इसके ओनर हैं टाइगर 2 जो इसके फादर है उनका सोनू लातेवाल, काफ़ी फेमस ब्रीडर हैं इस ब्रीड के और ये डॉग चैंपियन लाइन से है। अब दोस्तों बात करें इसकी डाइट वगैरह के बारे में, तो जैसे कि आपको पता है कि ये लार्ज ब्रीड है तो इनकी डाइट भी काफ़ी अच्छी होती है। इनको डाइट में जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं या जिन लोगों के घरों में नॉनवेज या एग्स चलते हैं तो वो तो इनको एग्स ज़रूर दें। इससे क्या है इनको अच्छा कैल्शियम मिलेगा, अच्छे कार्ब्स मिलेंगे, और आप इनको एग्स बॉयल करके दें या मीट बॉयल दें और खास करके इनको यॉक भी खिलाएं, इससे बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करेंगे पपीज। इसके अलावा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इनको सप्लीमेंट्स दे सकते हैं कार्ब्स के और प्रोटीन वगैरह के। अगर आप नॉनवेज अफोर्ड नहीं करते हैं, नॉनवेज आपके घर में नहीं चलता है, तो आप वेजिटेरियन डाइट दे सकते हैं जैसे कि राइस हो गया, रोटी, ताकि अच्छे से इनकी बॉडी ग्रो, मसल्स ग्रो हों, और इनको दही ज़रूर दें, उससे बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ होगी। इसके अलावा आप इन्हें खाने के साथ में अच्छी फीड दे सकते हैं, कोई भी अच्छी फीड दे सकते हैं जैसे रॉयल कैनन वगैरह या पेडिग्री या कोई और। उसके अलावा आपको इनको लिवर टॉनिक दें और वो सबसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनकी डीवॉर्मिंग पे जरूर ध्यान दें। अगर आप डीवॉर्मिंग नहीं करेंगे तो डॉग चाहे कुछ भी खा ले इसकी ग्रोथ नहीं होगी। ओनर की लोकेशन है अलाहाबाद, ओनर ने इसकी प्राइस की डिमांड किया 25,000, बाकी आप ओनर से इसकी प्राइस को लेकर बात कर सकते हैं। वीडियो के एंड में आप इसके फादर को देख सकते हैं, ओनर के पास इसके फादर मदर की मीटिंग की वीडियो भी है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो भी आप ओनर को कॉल करके देख सकते हैं, ओनर आपको डिलीवरी ऑल इंडिया में हर जगह प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।